सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो आपकी क्लास है 9, विषय आपका हिंदी, बुक है आपकी 37/1। ठीक है, उसका हम आपको काव्यखंड पढ़ा रहे थे, जिसका हम आपको पढ़ाएंगे आज 12वां लेसन, जिसका नाम है केदी और कोकिला। यह माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता है। तो पहले तो हम आपको माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हमारे लेखक है, पहले तो हम आपको उनका परिचय बताते हैं। तो देखिए आप, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बवई गांव में सन 1889 में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की आयु में वे शिक्षक बन गए थे। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि तथा प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया था। हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणुलोक, भुजधरा उनकी प्रमुख कृतियाँ थी। ये सब उनकी प्रमुख कृतियाँ थी। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त है। उसमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी है। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए थे। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति के संबंधी कविताएं भी लिखी है। चतुर्वेदी जी की कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हुए उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का प्रयोग किया है। यह तो हमारे लेखक का परिचय था। अब हम आपको पाठ परिचय बताते हैं। देखिए पाठ परिचय में बताया गया है कि यह कविता भारतीय संविधान सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और उनकी यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। ठीक है, वहाँ पर जेल में जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, उनको यातनाएं दी गई है, तो उसका हमें साक्ष्य इसमें प्रस्तुत किया है। जेल में एकांत एवं उदासी से भरे वातावरण में रात्रि में जब कोयल अपने मन की दुख एवं असंतोष व्यक्त कर स्वतंत्रता सेनानियों को मुक्त करने का गीत सुनाती है, तो अंग्रेज लोग की अधीनता से मुक्त होने की भावना प्रबल बन जाती है। ऐसे में कवि कोयल को लक्ष्य मानकर अपनी भावना का प्रकाशन करता है। तो देखिए आप इसमें, उसके बाद इसमें बताया गया है कि कोकिला से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कवि कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं है, बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने में लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में कोयल तुम क्यों चीख उठी हो। यह तो आपका पाठ परिचय था। अब हम आपको यह कविता पढ़ाते हैं। देखिए आप, कैदी और कोकिल। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, किसका संदेश है, कोकिल बोलो तो। अब देखो इसमें कवि माखनलाल चतुर्जी कहते हैं कि हाँ देखो इसका अर्थ बताती हूँ मैं आपको कि स्वाधीनता आंदोलन में के में सक्रिय में भाग लेने के लिए जब उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया तो उसके बाद कवि को जेल में जाना पड़ा। तभी एक रात को कोयल की आवाज़ उन्होंने वहाँ पर सुनी। उन्होंने कोयल से कहा कि कोयल तुम रात में ही क्यों गाती हो और फिर चुप हो जाती हो। वह कोयल से कहते हैं, कवि कोयल से कहता है कि कोयल तुम रात में क्यों गाती हो और क्षण भर बाद चुप क्यों हो जाती हो। कोकिल बोलो तो सही, कोकिल यानी कोयल तुम बोलो तो सही। इसके बाद देखिए संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो सही। इसके बाद कवि इसमें कहता है कि हो कोयल
तुम क्रांतिकारी देशभक्तों को किसका संदेश लाकर देती हो? कोयल, तुम क्रांतिकारी देशभक्तों का संदेश किसको लाकर देती हो? और स्वाधीनता संग्राम की कैदियों को तुम किसका संदेश देती हो? कोयल, तुम बोलो तो सही, यह तुम हमें स्पष्ट बताओ। ए कोयल, तुम हमें ये स्पष्ट बताओ। ठीक है, अब इसके बाद ये देखिए आप आगे, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बंटवारे के डेरे में। इसमें कवि जेल में बंद अपने कैदियों के साथ उनको संबंधित करते हुए कहते हैं कि हे कोयल, हम क्रांतिकारी देशभक्त इस जेल की ऊंची काली दीवारों के घेरे में बंद है। मतलब इसमें कवि अपने साथ बंद कैदियों के कैदियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि एक कोयल, हम क्रांतिकारी देशभक्त इस ऊंची काली दीवारों के घेरे में बंद हैं, डाकू चोरों बंटवारों के डेरे में। वस्तुतः यह स्थान तो चोर डाकू और लुटेरे का है। वस्तुतः यह स्थान तो चोर और डाकू और लुटेरे का होता है, लेकिन यहाँ पर हमें बंद करके रख रखा है। जीने को नहीं देते पेट भर खाना, जेल में हमें पेट भर खाना भी नहीं देते हैं। मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, वहाँ हमें जीने भी नहीं देते हैं और वहाँ हमें मरने भी नहीं देते हैं, सिर्फ हम तड़प कर रह जाते हैं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा, जीवन पर अब दिन का कड़ा पहरा। इसमें उन्होंने कहा है कि हमारे जीवन पर अंग्रेजी शासन का कड़ा पहरा है, और शासन है या दम का गहरा प्रभाव। और उन्होंने कहा है कि अंग्रेजी शासन का गहरा प्रभाव अंधकार के समान है। उन्होंने कहा है, फिर आगे देखिए, हिमकर निराश कर चला रात भी काली। उन्होंने कहा चंद्रमा भी निराश होकर चला गया है और रात भी काली निराश होकर चली गई है। इस समय काली माँ जागी क्यों आली? इस समय उन्होंने कोयल से कहा कि कोयल, तुम इस समय अंधेरी रात में क्यों जाग रही हो? अब देखिए आप इसके बाद तीसरा पैराग्राफ इसका, क्यों हूँ पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो, क्या लूटा मृदुल वैभव उसकी सी रखवाली सी। इसमें कवि कहते हैं कि वह कोयल से पूछते हैं कि है कोयल, तुम इस अंधेरी रात में जब सब सो जाते हैं तो तुम क्यों जाग रही हो? वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो सही, और तुम इस भारी वेदना के बोझ के दर से क्यों रो रही हो? कोयल, तुम बोलो तो सही। इसके बाद कवि कहते हैं कि मृदुल वैभव की रखवाली सी, हे कोयल, तुम तो मधुर वैभव को रखने वाली हो, और बताओ कि असल में उस खजाने को किसने लूटा? कोयल, तुम हमें ये बताओ कि उस खजाने को किसने लूटा है? अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो सही, कोयल, तुम आधी रात को क्यों चीख रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, क्या तुमने दावा नल की तेज लपटे देख ली है इसलिए तुम चीख रही हो? हे कोयल, तुम क्यों चिल्ला रही हो? तुम क्यों चीख रही हो? हमें इसका कारण बताओ। यह आपका पैराग्राफ खत्म होता है। ठीक है, आज का ये पैराग्राफ हम यहीं तक पढ़ाते हैं आपको। ये पहले आप इसको पढ़ना नहीं समझ में आता है तो पूछ लेना। ठीक है, इसके आगे का हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे।